नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सफलता का मंत्र, जाट और बनिए की कहानी। जाट और बनिया बहुत अच्छे मित्र थे। बनिया बहुत पाठ पूजा करता और जाट को तो पूजा का पता ही नहीं था क्या होती है। बनिया हर रोज मंदिर में पूजा करने जाता था, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए पर बनिया मंदिर में पूजा करने जरूर जाता था। एक दिन जाट और बनिए की बहस हो गई कि कोई भगवान नहीं होता। बहस इतनी बढ़ गई कि जाट जिद पर आ गया कि मुझे तेरे भगवान को देखना है। बनिए को बोला, मैं हर रोज तेरे साथ मंदिर में जाऊंगा और तेरे भगवान को दो जूते मार कर आऊंगा, फिर देखता हूँ तेरा भगवान मेरा क्या बिगाड़ता है। बनिए को एक बात बड़ी अटपटी सी लगी। चल तेरी जिद है, तुझे जो करना है कर। अब बनिया और जाट हर रोज मंदिर जाने लगे। बनिया पूजा करता और जाट मंदिर में हर रोज भगवान को दो जूते मार कर आता। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गया, हर रोज का यही चलता रहा। बनिया पूजा करता रहा और जाट भगवान को जूते मारता रहा। एक दिन इतनी बारिश आ गई कि घर से निकलना ही मुश्किल हो गया। जो गांव में मंदिर था वह नदी के उस पार था। अब जाट की जिद थी कि मंदिर तो जाना ही है। जाट और बनिए चल पड़े। उसने पूजा की थाली का सामान रखा और जाट को तो सिर्फ भगवान को जूते ही मारने थे। आगे जाकर देखा तो नदी बहुत उफान पर थी, क्योंकि मंदिर नदी के उस पार था। बनिया कहने लगा, मैं तो यहीं से सब कुछ अर्पित कर देता हूँ भगवान को, तुझे जो करना है सो कर। जाट की तो जिद थी, कहने लगा, जब तक मैं तेरे भगवान को दो जूते ना मार लूँ तो मेरी तो पूजा सफल नहीं होगी। बनिया बोला, तेरी मर्जी, मैं तो नदी के इधर ही खड़े होकर भगवान को सब कुछ अर्पित कर देता हूँ। जब जाट जिद में आकर नदी में उतर गया और कहने लगा, चाहे मैं मर जाऊं पर मुझे तो भगवान को दो जूते मारने ही मारने हैं। अब जाट नदी में उतर पड़ा और नदी इतनी उफान पे थी कि उसका पानी सिर के ऊपर आ गया। बनिया तो बहुत आवाज लगाई बनिए ने कि तू पीछे मुड़ जा, नहीं तो तू मर जाएगा। जाट कहने लगा कि मुझे मंजूर है मरना, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब जाट की तो जिद थी कि भगवान को जूते ही मारने हैं। अब जाट पानी में डूबने ही वाला था, भगवान भी जाट की परीक्षा ले रहे थे। जब भगवान ने देखा कि ये जिद्दी पीछे नहीं हटेगा, तब जाकर भगवान प्रकट हुए और कहने लगे, अरे मूर्ख रुक जा, मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ। तू कितना अपने नियम का पक्का है, तुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं है, मेरा सच्चा भगत तो तू ही है। बनिया तो दिखावे के लिए पूजा करता था, क्योंकि तूने अपने मरने की परवाह ना करके मुझे जूते मारने के लिए तूने अपने नियम पर अडिग रहा। तेरे दोस्त बनिए को अपनी जान प्यारी थी और भगवान बोले, हे सेवक, मैं उसी को दर्शन देता हूँ जो मेरे दर्शन के लिए अपनी जान से खेल कर लेता है और अपने नियम पे चलता है, और उन लोगों से मैं दूर रहता हूँ जो मेरी पूजा के बहाने सिर्फ दिखावा करते हैं। मुझे किसी के फूल फल और मेवे नहीं चाहिए, जो मेरी नियम से पूजा करता है मैं उसका हूँ। जाट प्रभु की ये सारी लीला देखकर मानने लगा कि भगवान तो है, और उसी दिन के बाद जाट भगवान को मानने लगा। इस कहानी में हमें ये बताती है कि जो भी काम करो वो नियम से करो, चाहे पूजा करो चाहे कोई मेहनत करो, उसमें नियम का होना बहुत जरूरी है, तभी आप सफल हो सकते हो, वरना अधूरे कामों में कभी भी सफलता नहीं मिलती। लगन हर मुश्किल को भी आसान बना देती है, और आस्था में वो ताकत है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है। आशा करती हूँ दोस्तों, ये जाट और बनिए की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट देना, लाइक करना। चैनल पे पहली बार आए हैं
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।